गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी फैमिली है जिसे हम पढ़ेंगे उसे कॉमनली बोलते हैं कुकुरबिट और गोट फैमिली, और साइंटिफिकली इसे बोलते हैं फैमिली कुकुरबिटेसी, जिसके अंदर इस तरह के फल आप देखते हैं और इससे भली भांति आप परिचित होंगे। न जाने कितने हम आज तक खा चुके हैं और अभी कितने और खाएंगे, और अपने चारों तरफ हर दिन कम से कम कोई एक फल तो हमको इधर उधर दिख ही जाता है इस फैमिली का, क्योंकि सब्ज़ी के तौर पर यह फैमिली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो वेजिटेबल्स का एक बड़ा सोर्स है पॉपुलेशन को फीड करने के लिए ये फैमिली कुकुरबिटेसी, और बहुत ही करेक्टरिस्टिक होती है। बड़े बड़े फल होते हैं जैसे खरबूजा है, तरबूज है, और कद्दू है, ककड़ी, खीरा, ये सारी जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं ये सारे इनके जो साइज़ हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, और इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली इसी वजह से हो जाती है। हर मौसम में ये उग जाते हैं आसानी से, अगर थोड़ी बहुत केयर करी जाए और ग्रीन हाउस में अगर उगाए जाएँ तो हमें इसकी ईयर राउंड सप्लाई मिल जाती है इन सब्ज़ियों की। तो आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या हमें पढ़ना है। कुकुरबिटेसी, जिसका नाम दिया था ALD जेसू ने, और बहुत सी फैमिलीज जो हैं इन्हीं के नाम से ही, इन्होंने ही उसको नाम दिया हुआ है। ज़्यादातर फैमिली हम जो पढ़ते हैं वो जेसू की नामकरण की हुई है। डिस्ट्रीब्यूशन इसका जो है अगर देखा जाए तो 122 जनरा हैं, 780 स्पीशीज़ हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेनली ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक में, इसी वजह से इंडिया में इसमें सारी किस्में लगभग हमें मिल जाती हैं, और टेम्परेट रीजन में थोड़ा सा कम होती हैं। फिर भी जो है अगर कल्टीवेशन इसका किया जाता है पर्टिकुलरली किसी एक ख़ास मकसद से हो तो वहाँ पर भी ये उग जाती है। तो इसमें बहुत ही करेक्टरिस्टिक पत्तियाँ होती हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इसके फ्लावर भी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, बहुत छोटे फ्लावर नहीं होते, और साथ में जो इसमें फीमेल फ्लावर होता है वो बहुत सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि उसमें ही उसी से सारा फ्रूट बनता है और वो बड़ा अच्छा और बहुत बड़ा सा फ्रूट बनाता है। तो प्लेसमेंट अब देखा जाए इस पर्टिकुलर फैमिली का, तो प्लेसमेंट में जो हम देखते हैं बेंथम हुकर, कंक्रेस्ट, तख्ताजान, डेलग्रीन, थॉर्न और APG सिस्टम जो है, AP वेब वाला, इसमें हम देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा परिवर्तन इसमें कहीं ना कहीं होता रहा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखें कि बेंथम हुकर ने इसे रखा था ऑर्डर पैसी फ्लोरेल्स में, और कंक्रेस्ट ने रखा था वायलेल्स में, तख्ताजान ने इसको रख दिया कुकुरबिटेल्स, तो पहली बार कुकुरबिटेल्स जो नाम दिया वो इन्होंने ही दिया तख्ताजान ने। उसके बाद डेलग्रीन ने इसको उसी को फॉलो किया और कुकुरबिटेल्स में रखा। थॉर्ने ने इसको एक बार फिर से वापस जो ये वायोलेल्स था उसी में डाल दिया, और APG ने इसको जो है फिर से दोबारा कुकुरबिटेल्स कर दिया। तो अभी जो आजकल का सिस्टम है उसमें ये कुकुरबिटेल्स में ही हम देखते हैं कि इसको पढ़ना पड़ता है। सेलिएंट फीचर्स में आता है तो टेंड्रिल जो है वो क्लाइंबिंग प्लांट होता है, ये हम देखते हैं कि इसमें टेंड्रिल पाए जाते हैं जिसकी मदद से ये प्लांट किसी सपोर्ट की वजह से ये आगे की तरफ बढ़ जाता है, और वहाँ पर अगर आपने बेलें देखी हों कभी तुरई और कद्दू ककड़ी इन सबकी बेलें देखी हों तो इनमें जहाँ से एक तरफ लीफ निकलती है वहीं दूसरी तरफ हमें घुमावदार कुछ लंबी लंबी इलांगेटेड ग्रीन स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं, उसी को ही टेंड्रिल कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम टेंड्रिल की बात करें तो एक बहुत सिग्निफिकेंट फीचर बन जाता है। लीफ जो है इसमें पामेटली वेंड होती हैं, फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, स्टेमेंस 5 होते हैं और वेरियसली यूनाइटेड होते हैं, अलग अलग तरीके से यूनाइट कर जाते हैं। कार्पल्स यूजुअली 3 होते हैं, और ओवरी जो है वो इंफीरियर है, ये बड़ा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो इंफीरियर ओवरी वाले प्लांट होते हैं इनके फ्रूट्स बड़े बड़े बनते हैं, जबकि सुपीरियर ओवरी वाले प्लांट्स के फ्रूट उतने बड़े नहीं बनते। ये भी एक कुदरती चीज़ है कि इंफीरियर ओवरी जहाँ जहाँ हम पढ़ते हैं वहाँ पर फ्रूट्स का फॉर्मेशन यूजुअली बहुत बड़े बड़े फ्रूट्स बनते हैं। फ्रूट टाइप जो होता है वो बेरी होता है, या उसे हम पेपो भी कह लेते हैं, तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बेरी में आप खीरा आपने देखा है, ककड़ी देखी है, खरबूजा देखा है, इसके अलावा आपने करेला देखा है, ये सब के सब जो हैं वो बेरी हैं, और जो बड़े हो जाते हैं जो गोल गोल हो जाते हैं जैसे कि तरबूज है या पम्पकिन है तो उन्हें हम पेपो भी बोलने लगते हैं। तो इस तरह के यहाँ पर आप देखिए कि ये जो मैं बता रहा था कि ओवरी जो है वो बड़ी सिग्निफिकेंट होती है, और यहाँ पर हमें ये दिख रही है कि अभी फ्लावर अभी पूरा टूटा भी नहीं है, मैच्योरेशन की तरफ गया भी नहीं है, फिर भी आप देखेंगे कितनी बड़ी सी इसमें ओवरी वाला पार्ट होता है, और यही फिर जो फर्टिलाइजेशन के बाद ये लगातार इंक्रीज़ करता है और बड़े बड़े फ्रूट्स जो हैं उसके नतीजे में हमें मिलते हैं।
मेजर जनरा अगर हम कहें तो एक तो सायोपोनिया है जिसकी 60 स्पीशीज हैं, मोमार्डिका है, तो ये तो सायोपोनिया हो गया जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसके अलावा मोमार्डिका है, 45 स्पीशीज इसकी हैं। तो मोमार्डिका में आप देख लीजिए, ये करेले ही को कहते हैं मोमार्डिका। इसमें 45 स्पीशीज हैं, अलग अलग तरीके के, छोटे बड़े, और थोड़ा बहुत कलर भी, कभी किसी का बहुत गहरा हरा होता है, किसी का हल्का हरा होता है। तो इस तरह से अलग अलग स्पीशीज हमें मोमार्डिका की भी मिल रही है। उसके अलावा अंगुरेनिया है, इसकी 40 स्पीशीज हैं। सियोस है, इसकी 40 स्पीशीज हैं। तो ये तो गुरेनिया हो गया, देख रहे हैं आप, इसका थोड़ा फ्लावर बड़ा करेक्टरिस्टिक होता है, ऐसा और कहीं कुकुरबिटेल्स में नहीं मिलता, लेकिन यहाँ मिलता है। देख लीजिए, इसमें पत्ते भी बहुत ब्राइट इसके ग्रीन होते हैं। और सियोस की भी 40 स्पीशीज हैं। सियोस ऐसा ही होता है जैसे नॉर्मल जो कुकुरबिटेसी के मेंबर्स होते हैं, बड़े बड़े पत्ते, पामिटली लोब्ड टाइप के। और फिर इसमें जो फ्रूट्स हैं ये इतने बड़े नहीं बनते जितने बाकी जो कुकुरबिटेसी में फ्रूट्स बनते हैं, उनके मुकाबले छोटे बनते हैं। बड़े तो बनते हैं लेकिन दूसरे से कंपेयर करें तो सियोस में थोड़े छोटे हो जाते हैं। उसके बाद है कुकुमिस, तो इसकी 30 स्पीशीज़ हैं, ये आप देख रहे हैं, पहचान ही गए होंगे। उसके बाद है कुकुरबिटा, तो ये दो तरह के जो है हमें मिल जाते हैं। एक तो इस तरह के कलर होता है, साइज थोड़ा छोटा होता है, एक ये इस तरह का होता है, इसमें साइज बड़ा होता है। तो कुकुमिस है, कुकुरबिटा है, एक की 30 स्पीशीज, एक की 27 स्पीशीज हैं। डिस्क्रिप्शन अगर हम देखें तो क्लाइंबिंग एनिमल्स हैं विद कॉइल टेंड्रिल्स, सम टाइम ट्रेलिंग होते हैं। ट्रेलिंग का मतलब कि किसी चीज़ पर जो है वो रगड़ते हैं, एक तरह से लगता है कि उसका पीछा करते हुए चल रहे हैं। तो उसमें आता है प्लांट एक बैलियम, जो कि ट्रेलिंग प्लांट होता है। अदरवाइज जो है वो ज़्यादातर ये क्लाइंबिंग प्लांट होते हैं और इनको हमें सहारा देना पड़ता है या फिर ये खुद से ढूंढ लेते हैं। रेयरली ज़ीरोफिटिक श्रब्स होते हैं, तो वैसे तो ये मेसोफिटिक हैं लेकिन कभी कभी ज़ीरोफिटिक श्रब मिल जाते हैं, जैसे एकेंथोसियोस होरिडा, ये जो है वो ज़ीरोफिटिक श्रब की तरह उगता है। बाकी तो नहीं उगते लेकिन ये उगता है ज़ीरोफिटिक श्रब की तरह। कभी कभी ये ट्री फॉर्म में भी मिल जाते हैं, जैसे कि डेंड्रोसियोस। तो सियोस जीनस अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट है, सारे कुछ जो चेंजेस हमें मिल रहे हैं वो इसी में मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डेंड्रोसियोस जो है वो ट्री के फॉर्म में आ जाता है। वैस्कुलर बंडल जो है वो यूजुअली बाइकोलेटरल होते हैं और ऑफन टूरिंग में होते हैं, तो ये इसमें एक कॉमन करेक्टर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जिसको कहते हैं एकेंथोसियोस होरिडा, ये बना हुआ है। लीफ की बात करें तो लीफ अल्टरनेट होती हैं, सिंपल होती हैं, पामेटली वेंड होती हैं, लोब्ड होती हैं और कंपाउंड होती हैं। कभी कभी एबसेंट भी होती हैं, जैसे कि एकेंथोसियोस होरिडा जिसकी बात अभी हम लोग कर ही रहे थे। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आप देखिए कि लीव जो है वो सब गायब गायब सी लगती हैं और इसमें छोटे छोटे ये स्पाइन्स नज़र आते हैं और कुछ इसमें नहीं होता। तो ये फल तो बन ही रहा है, जिस तरह का पेपो या बेरी होता है, बड़ा सा फल बन गया, लेकिन जो लीव्स हैं वो आपको अब नज़र नहीं आ रही हैं। तो ये ज़ीरोफिटिक हैबिट के हिसाब से चल जाता है, स्टिप्यूल इसमें नहीं होते। नॉर्मल वे में अगर देखिए तो लीफ इस तरह की होगी, ये आपको वेंस दिख रहे हैं पामेटली। तो ये जो लिखा था पामेटली वेंड, ये कंडीशन हो गई, लोब्ड हो गए, तो एक लोब, दो लोब, तीन लोब, चार लोब, पांच लोब हो गए। और कंपाउंड हो, जब इस तरह की कंडीशन हो जाएगी तो ये कंपाउंड लीफ होगी, ये सिंपल नहीं होगी। तो ये तो नॉर्मल कंडीशन है, ये थोड़ी अब नॉर्मल कंडीशन है जो एकेंथोसियोस होरिडा में मिलती है। इनफ्लोरेसेंस अगर हम देखें तो इनफ्लोरेसेंस साइमोज मिलता है ब्रायोनिया में, जहाँ, और या फिर फ्लावर सोलिटरी एक्जिलरी होते हैं जैसे कि लुफ्फा में होते हैं, और कभी कभी जो है वो रेसीम में होते हैं जैसे कि लुफ्फा का मेल फ्लावर। तो लुफ्फा में जो फीमेल है उसमें तो हमें मिलता है सोलिटरी एक्जिलरी, जो मेल है उसमें मिलता है हमें शॉर्ट रेसीम। प्लांट मोनोशियस यूजुअली होते हैं और डायोशियस, ये भी कंडीशन मिल जाती है। तो ये आपको दिख रहा है ब्रायोनिया का प्लांट, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि साइमोज ये वी बन रहा है, वी बन रहा है, यही पहचान होती है। तो ये साइमोज इन्फ्लोरेसेंस है ब्रायोनिया में। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये फ्लावर मिला हमें
लुफ्फा का जो कि फीमेल फ्लावर है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सॉलिटरी एक्जिलरी है, लीफ की एक्जिल से निकल रहा है, अकेला फ्लावर है। उसी का अगर हम मेल देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि छोटा सा रेसीम बन रहा है, यहाँ पर फ्लावर है, उसके बाद यहाँ पे फ्लावर है, यहाँ पे फ्लावर है, तो ये ऊपर चढ़ता चला जा रहा है। सबसे पुराने फ्लावर यहाँ होंगे, सबसे नए यहाँ होंगे, तो ये छोटा सा रेसीम बन गया, ये लुफ्फा का मेल फ्लावर हो गया, ये लुफ्फा का फीमेल फ्लावर हो गया, और ये तो अपने आप में ब्रायोनिया है, ये मेडिसिनल इम्पोर्टेंट का प्लांट है। ये फ्लावर्स की बात करें तो फ्लावर्स ब्रैक्टीएट हैं, और कभी कभी ब्रैक्टीएट भी मिल जाते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, रेयरली बाइसेक्सुअल भी हो जाते हैं, जैसे शाइजोपेपॉन में बाइसेक्सुअल फ्लावर मिलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, एपिगाइनस होते हैं, और लॉन्ग हाइपेंथियम होता है इसमें, तो ये एक करेक्टर इसमें होता है। तो यहाँ आप देख लीजिए, ये मेल और फीमेल फ्लावर आपको दिख रहे हैं, क्योंकि ये जो है उसमें मेल फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं, और ये जो है वो शाइजोपेपॉन आपको दिख रहा है, जिसमें दोनों चीज़ें नज़र आती हैं, येलो येलो जो आपको दिख रहे हैं, ये येलो येलो, ये तो इसके मेल पार्ट हैं और बाकी बीच का ये फीमेल पार्ट है। तो यहाँ दोनों हो गए, ये कंडीशन रेयर होती है, लेकिन शाइजोपेपॉन में हमें मिल जाती है। कैलेक्स की बात करें, कैलेक्स में पार सेपल्स होते हैं, बेंटामेरस फ्लावर है, मोर और लेस यूनाइटेड होते हैं, लगभग जुड़े से होते हैं, फ्यूज्ड टू ओवरी वॉल, ओवरी वॉल के साथ फ्यूज़ कर जाते हैं, तो ये कंडीशन हमें लगभग मिलती है। यहाँ पर ये ओवरी वॉल के साथ एकदम फ्यूज़ है, इनको आप चाहें तो अलग नहीं कर सकते, पार्ट ये पेटल का ही है लेकिन फ्यूज़ हो गया है, और यहाँ पर आप इसकी गिनती देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 और ये 5 मिल रहे हैं, यूनाइटेड होते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। कोरोला की बात करें तो कोरोला 5 पेटल्स फ्री होते हैं लुफ्फा में, लेकिन एरिया बेनिकासा इनमें फ्री मिल जाते हैं, और यूनाइटेड जुड़े हुए मिल जाते हैं कुकुरबिटा और कुकुमिस में। एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट होता है, कॉमनली येलो और वाइट, तो जब फ्री होंगे तब इम्ब्रिकेट होगा, और कॉमनली येलो होते हैं और वाइट भी होते हैं, तो यूजुअल कंडीशन तो येलो है लेकिन कभी कभी वाइट भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये फ्री वाली कंडीशन है जो कि हमें लेगिन एरिया की मिल रही है, लेगिन एरिया में आप देखिए ये फ्री सब आपको दिख रहे हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। वहीं अगर हम देखें कुकुरबिटा या कुकुमिस में, तो इस तरह से आपको ये जुड़े हुए दिखेंगे, तो यहाँ ऊपर से तो ये थोड़े फ्री हैं और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन दिख रहा है, लेकिन नीचे से जो है ये पूरा का पूरा एक कटोरा बना रहे हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर जुड़ के, तो यहाँ पर क्या हो गए, ये यूनाइटेड हो गए। एंडोशियम, एंडोशियम में 5 स्टेमेन होते हैं, सभी में 5 चल रहा है शुरू से। एंथर्स मोनोथिकस होते हैं, फिलामेंट्स फ्री हो सकते हैं लुफ्फा में, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये सब अलग अलग दिख रहे हैं आपको फिलामेंट्स, तो ये लुफ्फा की कंडीशन हो गई, और कोनेट हो सकते हैं, जुड़े भी हो सकते हैं। समटाइम्स 4 ऑफ दीज फ्यूज इन 2 पेयर्स, दस 2 स्टेमेन बाइथिकस एंड 3rd मोनोथिकस, तो कभी कभी ये भी कंडीशन होती है कि एक ही फ्लावर में हमें बाइथिकस भी दिख जाते हैं, मोनोथिकस भी दिख जाते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें फ्यूज़न हो जाता है, तो ये फ्यूज़ हो जाते हैं दो पेयर में, तो बाइथिकस मोनोथिकस दोनों दिख जाते हैं। और 3 स्टेमेन यूजुअल कंडीशन कोक्सीनिया में होता है, रेयरली ऑल 5 फ्यूज़, कुकुरबिटेसी में जो है वो कभी कभी 5 के 5 फ्यूज़ होते हैं, तो ये कंडीशन तो अभी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। और पोलन ग्रेन जो होते हैं वो 3 to many फरो होते हैं, पोलन ग्रेन में 3 से ज़्यादा फरो पाई जाती हैं, तो ये कंडीशन आप देख रहे हैं जो कि कोक्सीनिया वगैरह की होती है, जहाँ पर आप देखते हैं कि ये जुड़े हुए हमें दिख जाते हैं, और ये कंडीशन वो मिल रही है जहाँ पर हम देखते हैं कि ये सारे के सारे 5 हैं और फ्यूज्ड हैं, तो ये 5 हैं और फ्यूज्ड हैं, तो यहाँ पर आप देखिए कि ये सब के सब फ्यूज हो गए और ये हमें 5 दिख रहे हैं, 3, 4, 5। तो ये एंडोशियम की बात हो गई, तो इसमें भी वेरिएशन हमें मिलता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन मिलता तो है ये। गायनोशियम की बात करें तो गायनोशियम विथ 3 यूनाइटेड कार्पल्स और सिनकार्पस जुड़े हुए होते हैं, यूनिलोकुलर होते हैं विद मैनी ओव्यूल्स, प्लेसेंटेशन होता है, पेराइटल है, ये याद रखना है कि पेराइटल प्लेसेंटेशन होता है, लेकिन जब वो फ्रूट बन जाता है तो हमें उसमें वो दिखाई कौन सा पड़ता है, उसमें हमें दिखाई पड़ता है एग्जाइल प्लेसेंटेशन दिखाई पड़ता है, जबकि वो होता नहीं है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सूडो एग्जाइल बोलते हैं। तो प्लेसेंटेशन अगर कुकुरबिटेसी में कहा जाए तो क्या है, पेराइटल है, लेकिन लगता कैसा है, एग्जाइल, इसी वजह से उसको कहते हैं सूडो एग्जाइल प्लेसेंटेशन। क्यों होता है ये, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो प्लेसेंटी होती हैं वो लार्ज कर जाती हैं और आगे अपनी जो जगह है उसको छोड़ के आगे बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से लोकेशन है ओव्यूल्स की वो बदल जाती है, और जो
बनते तो कहाँ थे, एक्सिस पे जो सॉरी पैराइटल पेरीफेरी की तरफ बनते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं कि वो आ जाते हैं सेंटर में, तो लगता है कि एक्साइल है, तो ऐसा होता नहीं है और तीन हिस्सों में बटा हुआ होता है। तो यहाँ पर ये डायग्राम देख लीजिए, आप खीरा ककड़ी काट के देखेंगे तो आपको इस तरह से दिख जाएगा। तो ये जो हिस्सा है, ये जो आप ओव्यूल देख रहे हैं कि ये इसके अंदर बने हुए, ये बने कहाँ थे, यहाँ कहीं बने होंगे, लेकिन एक्सेसिव ग्रोथ होने की वजह से ये शिफ्टिंग हो जाती है। तो बनते तो ये पेराइटल हैं, लेकिन दिखते कैसे हैं, दिखते हैं ये एक्जाइल। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें कंडीशन कौन सी होती है, सूडो एक्जाइल। तो एक्जाइल होती नहीं है, लेकिन वैसी दिखती है। होती कौन सी है, होती है पेराइटल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइनोशियम का। फ्रूट की बात करें तो फ्रूट बहुत करेक्टरिस्टिक बेरी होता है, और बहुत बड़े वाले जो होते हैं उनको पेपो भी बोलते हैं, उसके अलावा छोटे हैं तो उन्हें कैप्सूल कह देते हैं। सीड्स बहुत से होते हैं, खरबूजा और इसमें आपने देखा ही है तरबूज में बहुत सीड्स होते हैं। एम्ब्रियो स्टेट होता है, एंडोस्पर्म एबसेंट होता है। तो एम्ब्रियो तो स्टेट है, एंडोस्पर्म एबसेंट इसलिए है क्योंकि वो कंज्यूम हो जाता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में। पॉलिनेशन इंसेक्ट से होता है, और डिस्पर्सल जो है वो एनिमल से यूजुअली होता है। एनिमल इन्हें खाते हैं और फिर इनको दूर तक इधर उधर फैला देते हैं, उनके पैरों वैरों में लग के इसके बीज हर तरफ फैल जाते हैं। लेकिन जो इकाइनोसिस्टिस है उसमें क्या होता है कि वो एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म होता है, उसमें जब फ्रूट मेच्योर होता है तो धमाके के साथ फट जाता है और जो बीज हैं वो इधर उधर छटक जाते हैं, जिससे जहाँ जहाँ गिरते हैं फिर वहाँ पर नए प्लांट निकल आते हैं। तो ये करेक्टरिस्टिक पाथ है इसमें। वैसे हम देखें नॉर्मल वे में तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इसका एक पेपो है जो कि बड़ा सा कद्दू का है फ्रूट, और इसमें जो खास बात होती है, चाहे कद्दू हो या तरबूज हो या खीरा हो, सब में बाहरी लेयर जो है, जो एक्सोकार्प होती है, वो बहुत थिक होती है और मोटा छिलका होता है इन चीज़ों का। लेकिन जो मीजोकार्प है वो फ्लैशी होती है। सीड्स बहुत जो एंडोकार्प है वो सीड्स के होती है। कहीं कहीं तो वो सीड्स हम खा ही लेते हैं, जैसे खीरा ककड़ी के साथ तो हम खा ही लेते हैं, और बाकी खरबूजे और तरबूजे और इनमें से निकाल के हम उसको अलग भी कर लेते हैं। तो वो भी एक इकोनॉमिक वैल्यू है, उनकी भी मेडिसिनल इंपॉर्टेंट है, और बहुत लोग इनके सीड्स को अलग करके वो उसको अलग प्रिपेयर करके बेचते हैं। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ जाती है। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं जो कि इकाइनोसिस्टिस का है, ये अपने आप से फटते हैं और धमाके से फटते हैं, और साथ ही साथ जो इसमें आवाज़ भी आती है, अगर बिल्कुल एकदम सन्नाटा हो तो आपको आवाज़ भी लगेगी कि कोई चीज़ जो है वहाँ पर एक्सप्लोड कर रही है। तो वैसे ही एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म होता है। तो ये अपने आप से जब ये फटते हैं तो दूर दूर इनके जो फोर्स होता है, उस फोर्स की वजह से जो सीड्स गिर जाते हैं वो डिस्पर्सल होता है। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है। शुरू में ही बताया था कि यहाँ पर ये ढेरों आप देख रहे हैं जितने भी फ्रूट्स हैं, इसमें हर तरह के हैं। कुकुम्बर है, मेलन है, वाटरमेलन, लूफा है, इसके अलावा बॉटल गोल्ड है, में और जो नॉर्मल मेलन होते हैं वो भी हैं, कुकुमस मेलो, और रेड पम्पकिन भी हैं, कुकुरबिटा मैक्सिमा जिसे बोलते हैं। तो ये सारे हैं, और सबकी अपनी फ्रूट के हिसाब से और सब्जी के हिसाब से वैल्यू होती है। द ड्राइड फ्रूट ऑफ लुफा यील्ड, लुफा में पर्टिकुलरली क्या है कि जो इसके ड्राई फ्रूट हो जाते हैं उनको फिर वो थोड़ा सा जो स्पॉन्ज लुफा बनाते हैं, जिससे नहाने धोने के काम में आते हैं, उसके स्पॉन्जी हो जाता है वो बहुत ज़्यादा, और उससे जो है फिर वो वॉशिंग वगैरह के काम में लिया जाता है। वहीं जो है ब्रायोनिया, कुकुमिस और मार्डिका, इनकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है। ब्रायोनिया जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में काम आता है। ये तो लूफा हो गया, तो ये देख लीजिए वो सूखा हुआ फ्रूट है, उसका छिलका बाहर का उतार दिया, बाकी सब ऐसा बन जाता है, इसमें ट्राइकार्पलरी आपको दिख ही रहा है ये। तो इसको जो है स्पंज की तरह इस्तेमाल करते हैं। ब्रायोनिया प्लांट होता है, उसमें वो मेडिसिन के काम में आता है, और कुकुमस जो होता है वो आपका खाने के काम में आ रहा है, और साथ साथ उसमें भी जो है वो एंटी डायबिटिक कंडीशन मानी जाती है। मार्डिका जो आप देख रहे हैं, करेला, ये भी एंटी डायबिटिक होता है। तो इसमें काफ़ी ऐसे प्लांट हैं जो कि डायबिटीज़ के खिलाफ बड़ा अच्छा काम करते हैं, जो कहा जाता है कि जो कड़वापन होता है वो डायबिटीज़ दूर करने में काम आता है, इसलिए लोगों को करेला और खीरा ये सब खाने को बोला जाता है जिनको डायबिटीज़ होती है। तो ये देसी इलाज के तौर पर इनको इस्तेमाल करते हैं। ब्रायोनिया का प्लांट ये आप देख रहे हैं, इसकी जो पत्तियां, इनका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में दिया जाता है, और होम्योपैथिक में दवाई इसी नाम से आती है, ब्रायोनिया। वेजिटेबल्स और फ्रूट की तो वैल्यू है ये, जैसे कुकुमिस मेलो है जिसको खरबूजा कहते हैं, तो ये खाया पिया जाता है। इसके अलावा आप देखें सिट्रुलिस वल्गैरिस, इसे तरबूज कहते हैं। तो ये सब नाम याद रखिएगा, हम बहुत खाते पीते रहते हैं लेकिन हमें इनके बॉटनिकल नेम याद नहीं रहते, हम बस ये कह देते हैं हाँ कुकुरबिटेसी का मेम्बर है।
कुकुरबिटा मैक्सिमा जो है ये कद्दू है इसको बोलते हैं, बहुत बड़े होते हैं इसलिए इनका मैक्सिमा इसकी स्पीशीज पड़ी हुई है। उसके अलावा बेनिकासा हिपिडा ये पेठा होता है, पेठा आपने देखा होगा आगरे का बहुत मशहूर होता है, तो वहाँ पर भी ये बड़े बड़े इसी तरह के फ्रूट्स होते हैं पपो, और उन्हीं में जो चाशनी वगैरह बना के उसमें डुबो के उसको एब्जॉर्ब करने देते हैं और उसके बाद वो पेठा तैयार हो जाता है। तो उसको आपने नाम बहुत सुना होगा, उसका बॉटनिकल नेम भी देख लीजिए, बेनिकासा हिपिडा, ये पेठे के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर लिखा भी है पेठे की मिठाई, और इसके अलावा और भी जो रसदार मिठाइयाँ वगैरह बनती हैं उनमें भी ये काम आ जाता है। लेगिनेरिया वल्गैरिस जिसको लौकी कहते हैं, तो ये भी इसकी भी मेडिसिनल इम्पोर्टेंस है, और बाबा रामदेव ने इसको बहुत कम समय में इतना मशहूर कर दिया कि लौकी जो है वो उसको अगर कहा जाए कि सब्जियों की रानी हो गई है तो कोई गलत नहीं होगा। उसके अलावा है ट्राइकोजेंथस डायोशिया जिसको परवल कहते हैं, जो बीमार बीमार लोग होते हैं उनको कहा जाता है ये खाओ, क्योंकि इसमें प्रोटीन जो है वो ठीक ठाक मात्रा में होता है। जितने भी गहरे कलर के, गहरे हल्के, गहरे हरे रंग के जितने फल होते हैं इसमें, उनमें ही माना जाता है कि अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन्स होती है, और बीमार लोगों को जो कमज़ोर हो जाते हैं बीमारी की वजह से उनको ये दी जाती है, तो एक तरह से मेडिसिनल वैल्यू इसकी भी हो जाती है परवल की। लुफा एक्यूटेंगुला ये तुरई होती है, सभी को पता है तुरई बहुत पॉपुलर सब्जी होती है। मोमार्डिका कैरेंटिया जिसे करेला कहते हैं, तो इसके बारे में क्या कहा जाए, मतलब ये तो डायबिटीज़ में तो है ही है, साथ साथ ये जो गाउट हो जाता है, रिमेटिज्म हो जाता है, हाथ पैरों में जोड़ों में दर्द, अर्थराइटिस वगैरह, उसमें भी इसको बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा मेडिसिन में तो कुछ तो प्लांट हमने आगे बताए थे, ब्रायोनिया वगैरह, उसके अलावा जो है वो सिट्रुलिस कोलोसिंथिस, इससे जो है वो एल्कोलाइड निकलता है कोलोसिंथिन, और इसका जो है वो कई बीमारियों में, खासकर अगर हम देखें कि जो जहर हटाने की बातें होती हैं, जहाँ पे हमें जो जहर फैल जाता है बॉडी में उसको देने, उसको हटाने के लिए इस्तेमाल करा जाता है, तो स्नेक बाइट में इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं। इगबेलियम इलेटेरियम, इसके जो फ्रूट्स होते हैं इनमें इलेटेरियम ऑफ मेडिसिन, इस तरह की दवा होती है जो कि नारकोटिक इफेक्ट, मतलब नशीले होते हैं, और उसमें इस्तेमाल होती है। साथ साथ जिन लोगों को पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है, उनको भी ये दिया जाता है प्लांट खाने पीने के लिए, ताकि उनको ये डर जो है पानी से वो दूर हो सके। ऑर्नामेंटल वैल्यू में तो एक बैलियम है, शीशियम है, सियोस हो गया, ये सब जो हैं वो खूबसूरत प्लांट होते हैं, थोड़े पत्ती वत्ती इनकी अच्छी निकलती हैं, तो इनको ऑर्नामेंट प्लांट की तरह भी इस्तेमाल करा जाता है। फाइलोजेनी की बात करी जाए, फाइलोजेनी हम लोग जानते हैं कि एंग्लो पेंटल ने स्टार्ट करी थी, उसके बाद तख्ताजान ने भी इस पर काफ़ी काम किया, और एपीजी सिस्टम भी फाइलोजेनी पे ही काम करता है। तो उनका क्या कहना है इस फैमिली के बारे में, द फैमिली वॉज अर्लियर कंसिडर्ड क्लोजली रिलेटेड टू पैसीफ्लोरेल्स, इसीलिए पैसीफ्लोरेस ही, इसीलिए पैसीफ्लोरेल्स दिया था बेंथम हुकर ने, बाद में वो बदल के कुकुरबिटेल्स कर दिया गया। हचिनसन ने 1973 में इसको जो है कुकुरबिटेल्स में रख डिराइव फ्रॉम पैसीफ्लोरेल, कुकुरबिटेल्स में रखा, लेकिन डिराइव किससे किया था, पैसीफ्लोरेल से ही किया था, क्योंकि हचिनसन जो थे बेंथम हुकर को काफ़ी मानते थे, और उनके काम की वैलिडिटी को वो अपने हिसाब से काफ़ी अच्छा रेट करते थे। तो क्यों रखा था, क्योंकि इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर थे, पेराइटल प्लेसेंटेशन था, इन्फीरियर ओवरी थी, और मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेमेंस ये इनमें मिल रहा था, जो कि पैसीफ्लोरेल्स के बाकी मेंबर जो होते हैं उनमें मिलता है, लेकिन बाकी चीज़ें जैसे फ्रूट टाइप है अलग हो गया, तो फिर बाद में इसको कुकुरबिटेल्स में दे दिया गया। शुरू में पैसीफ्लोरेल्स में था तो वो अपनी जगह बेंथम हुकर सही थे, बाद में फिर जो भी कुछ हुआ हो उसके बाद तो ये चलते ही रहता है, और हो सकता है कि आगे आने वाले 20-25 सालों में कोई और ऑर्डर हो जाए, तो ये तो एक मतलब चलायमान चीज़ है, इसमें तो कुछ भी नहीं कह सकते, हमें तो ये जानना है कि हुआ क्या है। तो ये सब इन फ्रूट्स की वजह से काफ़ी कुछ बदल गया, अगर ये फ्रूट टाइप इस तरह के ना होते तो शायद ये अभी भी पैसिफ्लोरेल्स में होता, जो किस में चले गए, कुकुरबिटेल्स में। द सेपरेशन इज फॉलोड बाई तख्ताजान डेलग्रीन एंड एपीजी ग्रुप। अब ये सेपरेशन जो किया गया कि पैसिफ्लोरेल से अलग से निकाल लिया गया ऑर्डर एक कुकुरबिटेल्स, उसको फॉलो किया तख्ताजान ने, डेलग्रीन ने, और एपीजी ग्रुप ने भी किया। कंक्रिस्ट एंड थॉर्न ने प्रिफर टू रिटेन दीज एंड अदर फैमिलीज अंडर द सेम ऑर्डर वायलेल्स, लेकिन कंक्रिस्ट और थॉर्न का अलग व्यू था, इन्होंने कहा कि नहीं ये तो दूसरी फैमिलीज के साथ जाएगा, इसको वायलेल्स ऑर्डर में डाल दो,
तो हालांकि ये किसी ने माना नहीं, इन्होंने अपने हिसाब से डाला दोनों ने ही, कंक्रिस्ट ने भी थॉर्ने ने भी, जैसा कि हमने शुरुआती स्लाइड में देखा था। लेकिन फिर भी ये हुआ कि फिर बाद में यही सहमति बनी, आम सहमति को कुर्बिटेल्स ठीक है, वायलेल्स में डालना इसको उचित नहीं होगा। थॉर्ने प्लेस्ड कुकुरबिटेसी अलॉन्ग विद बिगोनियसी एंड डेटिसकेसी अंडर द सेपरेट ऑर्डर बिगोनिनी। अब थॉर्ने ने 1999 में बड़ा रिसेंट काम था, इन्होंने क्या किया कि कुकुरबिटेसी को रख दिया किसके साथ में, बिगोनियसी फैमिली और डेटिसेसी फैमिली के साथ में, और सब ऑर्डर इसका बना दिया बिगोनिनी। तो इसका मतलब ज़्यादा करेक्टर किसकी तरह मिला दी उन्होंने, बिगोनियसी की तरह से मिला दी है। तो ये उन्होंने किया, लेकिन इसको ज़्यादा उतनी सहमति अभी आज तक अभी तक मिल नहीं पाई है। अब आगे देखना है क्या होगा। तो ये कुछ आप फ्रूट्स देख रहे हैं अलग अलग शेप और साइज़ के, लेकिन सबके सब क्या हैं, बेरी हैं, पेपो हैं या फिर कैप्सूल हैं। छोटे वाले जो होंगे ये कैप्सूल हो गए, पेपो जो हैं वो बड़े वाले हो गए, और बीच वाले जितने भी हैं छोटे वाले वो बेरी हो जाते हैं, कीरा वगैरह ये सब बेरी हो गए। अब इसमें कुछ फैमिली में प्रिमिटिव करेक्टर हैं और कुछ जो एडवांस करेक्टर हैं। तो प्रिमिटिव करेक्टर में देखते हैं कि क्या है। तो प्रिमिटिव करेक्टर में पहला है कि लीफ सिंपल है, अल्टरनेट है, ये प्रिमिटिव करेक्टर है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें सिंपल लीफ मिल रही है, अल्टरनेट मिल रही है। फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, ये भी प्रिमिटिव करेक्टर है। पेटल्स एंड स्टेमेंस आर फ्री इन सम जनरा, ये फ्री होना हमने बताया था, पॉलीपेटलस कंडीशन है तो वो प्रिमिटिव करेक्टर है, तो वो भी मिल जाती है। ओव्यूल्स बायटेक्मिक होते हैं, ये भी प्रिमिटिव करेक्टर है। ये तो ये कहाँ बायोटेक्निक, हमने कहाँ पढ़ते हैं, हम जिम्नोस्पर्म में पढ़ते हैं, तो प्रिमिटिव अपने आप में हो गया। तो इस तरह से ये कुछ प्रिमिटिव करेक्टर थे, चार करेक्टर के। लीव जो है वो सिंपल है, अल्टरनेट है। अब यहाँ पर लीव्स आप देखिए कि ये यहाँ तक कट के अंदर तक नहीं आ रही हैं, तो ये पत्तियाँ क्या हो गई, सिंपल हो गई और आगे पीछे निकल रही हैं, एक इधर निकल रही है, एक इधर निकल रही, अल्टरनेट हो गई। फ्लावर्स जो हैं इनको ये पाँच में है, पेंटामिरस हैं, ये दो में बराबर बढ़ जाएंगे तो एक्टिनोमॉर्फिक हो गए। पेटल स्टेमेन जो है वो फ्री हो जाते हैं कुछ जनरा में, तो ये भी प्रिमिटिव है। ओव्यूल्स बायटेक्मिक है, ये भी प्रिमिटिव है। अब बात करेंगे एडवांस करेक्टरिस्टिक की। तो एडवांस करेक्टर क्या है, प्लांट हर्बेशियस और क्लाइंबर हैं। तो हर्बेशियस होना एडवांस करेक्टर माना जाता है, क्योंकि हम अगर इवोल्यूशन में जाएँ तो हम जिम्नोस्पर्म में देखते हैं जो कि हर्बेशियस नहीं थे और बड़े बड़े मोटे मोटे उनके स्टेम हुआ करते थे। तो हर्बेशियस स्टेम जो होना है होता है, और साथ साथ क्लाइंबर के वो दूसरे के सहारा लेके चल रहे हैं, अपना खुद से उनको मजबूती ना मिले, दूसरे की सहायता से ही आगे बढ़ जाते हैं। तो ये एक एडवांस करेक्टर माना जाता है। लीफ एक्स स्टिपुलेट एंड पामेटली लोब्ड, लीफ में स्टिप्यूल ना हो और लोबिंग हो उसमें, तो ये भी एडवांस करेक्टर है, जैसा कि इसमें मिलता है। फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल और एपिगाइनस, ये भी हैं, तो ये भी यहाँ मिल जाता है। कैलेक्स गैमोसेप्लस कैलेक्स जुड़े हुए एडवांस करेक्टर है, मिल जाते हैं यहाँ पर। स्टेमेन 3 to 5 इन नंबर, ये भी एडवांस करेक्टर है, मिल जाता है। स्टेमेन शो टेंडेंसी टुवर्ड्स फ्यूजन, स्टेमेन जो है वो फ्यूज होने की टेंडेंसी रख रहे हैं, तो फ्यूजन जो है एडवांस करेक्टर माना जाता है, इसलिए ये भी एडवांस करेक्टर है। एंथर लोब्स कर्व एंड कंट्रोल, एंथर लोब्स जो हैं वो कर्व्ड होती हैं एंड कंट्रोल्ड होती हैं, तो एंथर लोब जो है कर्विंग हो गई और साथ साथ जो बहुत ज़्यादा उनकी एक्सेसिव ग्रोथ नहीं होती, तो ये भी करेक्टर एडवांस करेक्टर है। गाइनोशियम सिनकार्पस होता है, जुड़े हुए हैं, तो एडवांस करेक्टर हो गया। ओव्यूल्स कंपाइलोट्रोपस होता है, तो कंपाइलोट्रोपस का आपको पता ही है कि स्ट्रेट ना हो के थोड़ा सा मुड़ा थोड़ा सा हो जाता है और हॉरिजॉन्टल टाइप का होने लगता है, तो ये एडवांस करेक्टर माना जाता है। तो कुछ इसके ऐसे मेंबर हैं जिन पर कंपाइलोट्रोपस मिलता है, यूजुअली तो स्ट्रेट मिलता है लेकिन कंपाइलोट्रोपस भी मिल जाता है, ये एडवांस करेक्टर है। फ्रूट सिंपल होता है बिल्कुल, पेपो और बेरी ये सब सिंपल फ्रूट में आते हैं, एडवांस करेक्टर है। सीड्स नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, एडवांस करेक्टर है, क्योंकि ये जो इसका एम्ब्रियो है पूरा इस्तेमाल कर लेता है एंडोस्पर्म को। तो इस तरह से ये सारे करेक्टर जो 11 करेक्टर हैं वो एडवांस करेक्टर हैं, और ये काफ़ी एडवांस फैमिली मानी भी जाती है, इसीलिए हम काफ़ी फैमिलीज के बाद इसको पढ़ रहे हैं। अब द एडवांस नेचर ऑफ कुकुरबिटेसी, इसको और देख लेते हैं। तो क्यों हम कहेंगे, कोई सवाल कर ले कि एडवांस है कुकुरबिटेसी, तो फिर हम प्रिमिटिव करेक्टर को नहीं बताएंगे, वहाँ पर हम क्या बताएंगे, वहाँ पर हम जो एडवांस नेचर है उसी की बात करेंगे। तो ये जैसा पहले हमने जाना था अर्वेशियस है, क्लाइंबिंग है, एडवांस नेचर हो गया। कोरोला गैमोस पेटलस है, ज़्यादातर जनरा में जुड़ा हुआ है, एडवांस करेक्टर हो गया। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर स्टेमेन का है, जैसे कि एंथोलोब जो है उसमें खो जा रही, एक निकल जा रही है, सिनेनरी हम जुड़ रहे हैं, कर्व हो रहे हैं, ये सब क्या है कि वो अपने आप को सीमित कर रहे हैं किसी जगह पर, तो करेक्टर एडवांस हो गया। फ्लावर्स एपिगाइनस एडवांस करेक्टर, यूनिसेक्सुअल एडवांस करेक्टर।
सपोर्टेड बाई प्रेजेंस ऑफ बाईसेक्सुअल फ्लावर इन शाइजोपिपॉन। शाइजोपिपॉन का आपने फ्रूट देखा था, वहाँ पर भी एडवांस करेक्टर शो कर रहा था। अकरेंस ऑफ बाइकोलेटरल बंडल, क्योंकि हम लोग बहुत बचपने से पढ़ते हैं बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल कहाँ पाए जाते हैं, तो हम बता देते हैं कुकुरबिटेसी में। और वुड के अंदर वेसल्स पाए जाना, ये भी एक एडवांस करेक्टर है। तो इस तरह से काफी एडवांस करेक्टर इस फैमिली के अपने हो जाते हैं। आगे बढ़े हम, अब बात करेंगे उसकी जिस प्लांट को हमें करना है, इसको वाइल्ड टाइप का जो हमें मिल जाता है प्रैक्टिकल में, तो वो है कॉक्सिनिया ग्रैंडिस। लीनियस ने इसको पहली दफ़ा बताया था, उसके बाद वर्गेट ने जो है इसको दोबारा रिवाइज किया, और पहले इसका नाम कॉक्सिनिया इंडिका था जो सिनोनिम हो गया, तो अब इसका नाम कॉक्सिनिया ग्रैंडिस ही है। अगर आप कहीं किताब में देख लें कॉक्सिनिया इंडिका, तो उसको आप कॉक्सिनिया ग्रैंडिस मान के ही पढ़ेंगे। कॉमन नेम जो है वो स्कारलेट फ्रूटेड आईवी गोल्ड इसको बोला जाता है, तो ये तो कॉमन नेम हो गया। हैबिटेट की बात करें तो ये वार्म ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो करता है, तो बरसात के दिनों में आसपास वाइल्ड में ग्रो करता आपको मिल जाएगा। हैबिट क्या है इसकी, डायोशियस होता है, मेल फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं, पेरिनियल होता है, एक जगह जो निकल आएगा किसी साल तो वहाँ बार बार हर साल निकलता रहेगा जब तक आप इसकी जड़ तक वहाँ से हटा ना दें। हर्बेशियस वाइन होता है और इसमें टेंडल्स वगैरह पाए जाते हैं, तो ये दूसरे का सहारा लेके ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं। और जो इनकी एक तरह से लेंथ कही जाए तो ये 9 से 28 मीटर तक ग्रो कर सकते हैं। एक्जिलरी टेंड्रिल्स इसमें होते हैं, एक्सिस से टेंड्रिल निकलते हैं। रूट की बात करें तो रूट टैप रूट होती है, जिसमें कि एक्सटेंसिव ट्यूबरस होती है, खूब ट्यूबरस ट्यूबरस फॉर्म में होती है रूट, टैप रूट होती है और ब्रांच होती है, इसलिए जड़ें इसकी बड़ी मजबूत होती हैं। हैबिट की बात करें तो इस तरह से अगर हम एक व्यू देखें कि जहाँ पर हमें से पत्ते पत्ते नज़र आ रहे हैं, ये फ्लावर नज़र आ रहे हैं और ये सारी लीव्स नज़र आ रही हैं, इसी तरह से पामेटली लोब्ड और इसके अंदर वेंड भी, पामेटली वेंड भी होती हैं, लोब्ड भी होती हैं, तो वही जो करेक्टर हमें दिखते हैं जो हमने पढ़े थे वही इसमें भी नज़र आते हैं। तो कोई इसमें इस तरह से कोई विशेष बात फिलहाल नहीं है, लेकिन जो उगता है तो काफ़ी घनघोर और बहुत डेंस फॉर्म में ये उगता है। ये इनके फ्रूट्स हैं, कुछ पकने से पहले और कुछ पकने के बाद। स्टेम की बात करें तो स्टेम हर्बेशियस कमज़ोर होता है, लकड़ी का फॉर्मेशन होता नहीं है, ग्लैबरस होता है, रोए होते हैं इस पर, ग्रीन कलर का होता है, सिलिंड्रिकल होता है, सॉलिड होता है, अंदर से भरा हुआ होता है, टिश्यूज पाए जाते हैं, ब्रांच होते हैं, हेरी हैं, एक्जिलरी हैं, टेंड्रिल क्लाइंबर। तो ये तो इसका स्टेम आप देख सकते हैं, इनमें सारी चीज़ें जो यहाँ लिखी हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगी, और जब प्रैक्टिकल इसका आप करेंगे तब आप ये चीज़ें अपने आँखों से देख लें। लीफ अल्टरनेट होती है, एक्स स्टिपुलेट होती है, अल्टरनेट का मालूम हमें मालूम ही है कि अल्टरनेट का मतलब एक यहाँ निकल रही है, एक यहाँ निकल रही है, एक्स स्टिपुलेट, यहाँ पर कोई स्टिप्यूल नहीं होता। सिंपल होती है, पीटियोल पीटियोलेट होती है, लीफ होती तो ये पामेटली लोब्ड है, लेकिन एक ही लेमाइना होता है, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, सिंपल कहेंगे। डेंटेट मार्जिन, मार्जिन जो है वो इस तरह से उसमें हल्के हल्के से डेंटेशन पाए जाते हैं। म्यूकोरोनेट अपेक्स, अपेक्स जो होता है वो म्यूकोरोनेट होता है, अभी आपको दिखाता हूँ क्या होता है ये। मल्टीकॉस्टेट होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए अपेक्स जो है उसमें यहाँ पर एक छोटी सी ये यहाँ पर अच्छा दिख रहा है, यहाँ देखिए इसमें छोटी सी एक नोक सी निकल आती है, उसको कहते हैं म्यूकोरोनेट। तो यहाँ देखिए आप, ये पाम की तरह है लेकिन जो इंसिजन है वो यहाँ तक नहीं आए, तो इंसिजन यहाँ तक नहीं आया, इसलिए लीफ क्या है, सिंपल है। ये आप इसको एक बड़ी लीफ देख सकते हैं, जिसमें आप देखिए कि ये लोबिंग तो हो रही है, एक लोब बन गई, दो लोब बन गई, तीन बन गई, चार बन गई और ये पांच लोब हो गई, लेकिन कोई भी कट जो है वो यहाँ तक नहीं आ रहा है मिडरिप तक, इसलिए सिंपल लीफ है। और बाकी आप ये वेंस भी देख लीजिए, वेंस भी पामेटली इधर उधर भाग रही हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको दिख जाती है, और इनके बीच में आपको छोटी छोटी और वेंस दिख जाती हैं जिसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस सॉलिटरी एक्जिलरी यूजुअल कंडीशन, और फ्लावर जो है यूनिसेक्सुअल, मेल प्लांट अलग फीमेल प्लांट अलग। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर मेल प्लांट फीमेल प्लांट, यहाँ तो मेल प्लांट में जो है ऊपर आपको ये दिख जाते हैं एंथर्स,
फीमेल प्लांट में आपको यहाँ पर अंदर गहराई दिखती है, एक अंदर गहराई दिखती है, जब इसको आप हटाएंगे तब आपको इस तरह के स्ट्रक्चर नज़र आते हैं, जिसमें मेल फीमेल प्लांट में यहाँ पर आप गाइनोशियम देख रहे हैं और यहाँ पर आप एंथर्स देख रहे हैं, यहाँ पर एंथर्स देख रहे हैं और यहाँ पर आप गाइनोशियम देख रहे हैं, जिसमें ये स्टाइल दिख रही है, ये स्टिग्मा दिख रहा है और ये ओवरी दिख रही है। मेल फ्लावर जो होते हैं, क्योंकि अब प्लांट अलग अलग हो गए, मेल अलग हो गए, फीमेल अलग हो गए, तो मेल फ्लावर्स की बात करें तो ब्रैक्टीएट होते हैं, ब्रैक्ट पाया जाता है जहाँ पे ये होते हैं, तो जहाँ से निकलने होते हैं वहाँ पे आपको ब्रैक्ट मिल जाएगा। पेडिसिलेट होते हैं, पेडिसिल हमें यहाँ पे ये नज़र ही आ रहा है लंबा लंबा। इनकम्प्लीट होते हैं क्योंकि इसमें एक सेक्स कम होता है मेल फ्लावर में, फीमेल पार्ट नहीं होता, इसलिए इनकम्प्लीट हो गए। स्टेमिनेट होते हैं, स्टेमिन कंटेन करते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, पेंटामेरस होते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको ये बहुत मुश्किल नहीं है, ये पता ही चल गया है, पांच आपको ये दिख ही रहे हैं पेंटामेरस हैं। फिर कैलक्स की बात करें तो कैलक्स भी पांच होंगे, गैमो होंगे, जुड़े हुए होते हैं, ग्रीन होते हैं, कंपेनुलेट होते हैं, एकदम वो घंटे की तरह रचना बनाते हैं, हेयरी होते हैं, इम्ब्रिकेट और एस्टिवेशन होता है, तो यहाँ पर आपको ये दिख रहे हैं। और इनमें सब में आपको छोटे छोटे हेयर्स भी नज़र आ रहे होंगे, थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे तो आपको दिख जाएंगे। तो नीचे से ये कंपेनुलेट होता है, इस तरह का एक घंटे नुमा स्ट्रक्चर बनता है। करोला पेटल्स फाइव होंगे, गेमो होंगे, कंपेनुलेट होंगे, एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होगा, वो सब हमें यहाँ पर नज़र आ जाता है। एंडोशियम में स्टेमन फाइव है, सिलेंड्रस कंडीशन है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जुड़े हुए होते हैं, तीन दिखते हैं, फोर स्टेमन फ्यूज इन टू ग्रुप, जबकि चार स्टेमन फ्यूज होते हैं दो ग्रुप में और दो के एच में और एक फ्री होता है। तो डाइथिकस मोनोथिकस दोनों कंडीशन हमें मिल जाती है, एंथर्स बेसिफिक्स होते हैं, एक्सट्रोज होते हैं और कॉइल्ड होते हैं, तो यहाँ पर हम ये कंडीशन देख सकते हैं। तो इसमें दो तो ये जुड़ गए, एक और एक, और एक ही अकेला हो गया, तो ये तो डाइथिकस वाले हो गए और ये मोनोथिकस हो गया। तो इस तरह से बहुत ही करेक्टरिस्टिक एंडोशियम इसका होता है, और जो हमें यहाँ पर दिख रहा है तो दिखने में तो हमें तीन ही लगते हैं, लेकिन होते ये पांच हैं, जैसे कि स्टेमेन फाइव लिखे हुए हैं तो ये फाइव ही होते हैं, लेकिन हम जब देख रहे होते हैं तो हमें ये तीन लगते हैं। फीमेल फ्लावर की बात करें तो ये ब्रैक्टिएट है जैसे कि मेल है, पेडिसिलेट है वो भी वही बात है, इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें मेल पार्ट नहीं है, पिस्टिलेट है वो स्टेमिनेट था क्योंकि वहाँ स्टेमिन थे, यहाँ पर पिस्टिल है इसलिए पिस्टिलेट है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है जैसा वहाँ भी था, है पेंटामेरस है एपिगाइना से, तो कुछ तो कॉमन है, बस फर्क क्या हो जाता है कि वो जो है स्टेमिनेट फ्लावर होते हैं और ये पिस्टिलेट फ्लावर होते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ आपको ये इसके स्टिग्मा नज़र आते हैं, ये तीन के पेयर में आते हैं, एक दो तीन, ये स्टाइल हो गई है, फिर यहाँ पर ये ओवरी वाला पार्ट है, इसको थोड़ा सा और बड़ा आप कर लेंगे तो और आपको ये दिख जाएगा। तो बहरहाल इसको हम पहचानते ऐसे हैं कि जब हम मेल फ्लावर देखेंगे तो जैसे अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था, वहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्टेड इस जगह पर इसके माउथ पर बहुत कॉम्पैक्ट दिखेगा, और जब हम फीमेल फ्लावर देखेंगे तो यहाँ पर हमें ये तीन अलग अलग नज़र आएंगे जो कि इसके स्टिग्मा होते हैं और इसमें भी थोड़े से हेयर लाइक स्ट्रक्चर टाइप के होते हैं, तो बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं, कोई इसमें परेशानी पहचानने में होती नहीं है। कैलेक्स करोला और कैलेक्स करोला बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि उसमें थे क्योंकि और कोई परिवर्तन है नहीं, एंड्रोशियम एबसेंट होता है, स्टेमिनोड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं क्योंकि एंथर तो होते नहीं हैं, तो एंथर की जगह पे जो स्टराइल स्ट्रक्चर होते हैं उनके थोड़े से निशान से होते हैं वही हैं जो कि जिसको हम बोलते हैं स्टेमिनोड्स, तो इसमें कोई भी फर्टाइल एंथर नहीं होता। गाइनोशियम देखें तो गाइनोशियम ट्राइकार्पलरी करेक्टरिस्टिक है और ये आपको दिख ही रहा है, एक दो तीन, सिनकार्पस सब ये जुड़े हुए हैं, ओवरी इंफीरियर होती है दिख ही रही है कि बाकी जो फ्लोरल पार्ट हैं वो सब ऊपर हैं, ये सब पेटल सेपल सब ऊपर हैं और ये पार्ट नीचे आ गया तो ओवरी इंफीरियर हो गई। ट्राइलोकुलर तीन लोक्यूल दिख ही रहे हैं, लोक्यूल भी देखें तो एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। पैराइटल प्रेजेंटेशन होता है, हमने बताया था कि यहाँ बनते हैं पेरीफेरी पे, लेकिन ये शिफ्ट हो जाते हैं ग्रोथ ज़्यादा होने की वजह से और सेंटर में आ जाते हैं, जिसकी वजह से सूडो
सूडो एग्जाइल प्रेजेंटेशन लगता है, लेकिन होता है इसमें पराइटल है। स्टाइल लॉन्ग होती है, तो वो दिखी रही थी आपको पीछे वाले में। सिलेंडर होती है, स्टिग्मा तीन होते हैं और सब में बाइलोब्ड होता है। तो इससे पीछे की स्लाइड में ये सारी चीज़ें क्लियर थी। तो तीन ये स्टिग्मा बन रही हैं और तीनों स्टिग्मा जो है वो बाइलोब्ड हैं। इसके बाद आएगी फ्रूट। तो फ्रूट की बात अगर करी जाए तो फ्रूट भी आपने देखा ही है, सभी ने ये इतना इस्तेमाल किया है कि फ्रूट यूं ही याद है। फ्रूट बेरी होता है और इसमें जो है जब ये पक जाते हैं तो इसके अंदर का जो फ्लैश निकलता है वो रेड होता है और स्किन भी इसकी रेडिश हो जाती है पकने के बाद। शुरू में ग्रीन रहती है लेकिन बाद में ये रेड हो जाता है और वाइट लॉन्गिट्यूडनल मॉडलिंग दिखती है। ये वाइट लंबी लंबी लाइनें इसमें नज़र आती हैं फ्रूट में। तो आपने कुंदरू वगैरह देखा ही होगा सब्ज़ी की दुकान पे, तो वैसे ही आपको दिखता है, लगभग परवल की तरह ही होता है। लेकिन ये जो है पकने के बाद ये रेड हो जाते हैं। परवल पकने के बाद रेड नहीं होते, लेकिन कोक्सीनिया जो है पकने के बाद रेड हो जाते हैं, जैसे यहाँ आपको ये दिखाई पड़ रहे हैं रेड कलर के। ये इसका यंग स्टेज होती है। जब यंग स्टेज है तो इस तरह से इसमें ये लॉन्गिट्यूडनल वाइट वाइट लाइनें दिख रही हैं। पक जाएगा तो ये बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। फ्रूलर डायग्राम और फार्मूले, तो इसमें डायग्राम और फार्मूला देख लीजिए, दो बनाने पड़ेंगे क्योंकि मेल अलग होता है फीमेल अलग होता है। तो मेल फ्लावर की हम बात करें तो ये तो पहले हम मेल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ब्रैक्टीएट और ये ब्रैक्टीएट दोनों कंडीशन मिलती है। कोक्सीनिया की अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं, कुछ में ब्रैक्ट होते हैं कुछ में नहीं होते। हम फिलहाल यहाँ पर ब्रैक्ट मान के चल रहे हैं, तो हम जब ये लिखेंगे तो फिर ये भी यार हटा देंगे। उसके बाद ये एक्टिनोमॉर्फिक है, वो दिख ही रहा है हमें एक्टिनोमॉर्फिक मेल होते हैं। अब यहाँ पर हम प्लस नहीं बना रहे क्योंकि ये सिर्फ मेल है, यहाँ पर हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। के फाइव होते हैं, जुड़े होते हैं, तो के फाइव हो गए जुड़े हुए, ये दिख ही रहे हैं हमें। ये सब आपस में गैमो कंडीशन है, एडवांस करेक्टर है। सी फाइव है जुड़े हैं, ये भी एडवांस करेक्टर है, गैमो है। ए टू प्लस टू में और वन, तो दो दो में दो बनते हैं और एक ये बनता है। तो मतलब दिखने में तो हमें तीन नज़र आते हैं। क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि दो इस तरह से आपके एक साथ हो गए, तो दो ये हो गए, दो ये हो गए चार, टू प्लस टू फोर, और एक ही अकेला इधर आ गया तो ये हो गया फाइव। तो दो इसमें ये तो डाइथिकस हो गए और ये मोनोथिकस हो गए। तो ये इसमें बड़ा करेक्टरिस्टिक होता है कि ए टू प्लस टू प्लस वन, तो दिखने में तो तीन दिखेंगे लेकिन होते ये पाँच हैं। जी जीरो क्योंकि मेल मेल फ्लावर है। फीमेल की बात करें तो यहाँ ब्रैक्ट और इब्रैक्टेड कंडीशन वैसे ही रहेगी, एक्टिनोमॉर्फिक वैसे ही रहेगी। यहाँ पर मेल का निशान हट जाएगा और फीमेल का आ जाएगा। के की सिचुएशन वही है, सी की सिचुएशन वही है। ए यहाँ जीरो हो गए क्योंकि ये फीमेल फ्लावर है और जी थ्री होते हैं और ओवरी इन्फीरियर होती है। तो यहाँ पर हम निशान यहाँ पे बना दें, यहाँ बना दें, दोनों ही ठीक होते हैं, इन्फीरियर ओवरी का निशान हो गया। तो यहाँ पर आप डायग्राम देख लीजिए, ये सब तो बराबर ही है, बस बीच में आप देखें कि ट्राइलाकुलर ट्राइकार्पुलरी ओवरी आपको नज़र आ रही है। ट्राइलाकुलर ट्राइकार्पुलरी ओवरी विद पैराइटल प्लेसेंटेशन, तो टी टी पी, ये याद रखिए, टी टी पी का मतलब ट्राइलाकुलर ट्राइकार्पुलरी पैराइटल प्लेसेंटेशन, ये ओवरी की बात हो गई। अब ये एक डायग्राम है जिसमें आप सारा कुछ देख रहे हैं, जिस तरह से आपको प्रैक्टिकल फाइल में बनाना होता है। तो ये सिर्फ उसके लिए दिखाया है कि किस तरह से आपको प्रैक्टिकल फाइल में बनाना है। तो एक तो ये हैबिट आप बना देंगे, सबसे पहले हैबिट बना देंगे, उसके बाद आप इसमें एलएस बना देंगे, उसके बाद इसमें मेल फ्लावर बना दें, फीमेल फ्लावर बना दें और उनके फ्लोरल फार्मूले बना देंगे अलग अलग। तो यहाँ पर दो फ्लोरल फार्मूले और दो फ्लोरल डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे। क्लासिफिकेशन हम देखें तो किंगडम प्लांटी है, क्लैट, क्लैड में मैंने बताया था एक दिन के जो ऑर्डर से ऊपर की जितनी रैंक है उनको क्लैड हम कह सकते हैं। तो उसमें झंझट नहीं पड़ता कि हमें क्या याद रखना है। तो और अगर आप ये भी हटा के हटा दें बिल्कुल तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑर्डर कुकुरबिटेल्स यहीं से शुरू कर सकते हैं। फैमिली कुकुरबिटेसी, जीनस कोक्सीनिया, स्पेशीज कोक्सीनिया ग्रैंडिस, तो ये बात हो जाती है कोक्सीनिया ग्रैंडिस, या फिर जिसको हम हिंदी में कुंदरू या काचरी कहते हैं, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन। डिस्ट्रीब्यूशन इसका कहाँ होता है?
तो ओरिजिनली नेटिव टू नॉर्थ सेंट्रल ईस्ट अफ्रीका ये माने जाती है कि यहाँ की ये शुरुआत इस यहीं से हुई थी, फिर दुनिया भर में फैली और फिर इंडो मलायन रीजन में ये खूब ग्रो करी जाती है। ऑस्ट्रेलिया में भी ये भेजी गई, पैसिफिक रीजन में भी भेजी गई, कैरिबियन आइलैंड में भी भेजी गई, यूनाइटेड स्टेट में भी भेजी गया। तो जब एक बार चीज़ का यूज़ पता चल जाता है तो उसके बाद फिर वो एक्सपोर्टेशन उसका होने लगता है। तो शुरू तो कहाँ हुई, नॉर्थ सेंट्रल ईस्ट अफ्रीका में, उसके बाद फिर इंडिया और मलायन रीजन में आ गई और वहाँ से फिर ऑस्ट्रेलिया भी गई, कैरेबियन आइलैंड भी गई, यूनाइटेड स्टेट भी गई। तो हर तरफ ये अब ये फैल चुका है दुनिया भर में। इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका देखें तो इट इज़ एज वेल एज कवरिंग एग्रीकल्चर एरियाज़। तो ये एग्रीकल्चर एरियाज़ वो कवर कर लेते हैं, उनकी बाउंड्री वाउंड्री में ये आपको देखते हैं कि ये दिख जाते हैं जंगली की तरह उगते हुए, जंगली प्लांट्स की तरह उगते हुए। और उसमें नुकसान ये होता है कि कई कीड़े ऐसे होते हैं जिनको ये पनाह देते हैं, और वो कीड़े जो होते हैं वो जो एग्रीकल्चर फील्ड में बाकी जो फसलें लगी होती हैं उनके लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। तो इनको वक्त वक्त पे वहाँ से हटाना पड़ता है। तो ये एक वीट की तरह माने जाते हैं। तो इकोनॉमिकली ये ठीक बहुत अच्छे माने नहीं जाते। कोक्सीनिया, कद्दू, ककड़ी, ये सब तो खेत होते हैं लेकिन इनकी उतनी ग्रोथ नहीं होती है। बहुत पुअर जो लोग होते हैं या ट्राइबल्स होते हैं वो तो खा लेते हैं, बाकी आपको खाने के इस्तेमाल में ये कमी होता है। और इसको जो माना जाता है वो यही माना जाता है कि एक वीड है और ये बहुत से कीड़ों की पनाहगाह है जिसकी वजह से वो दिक्कत हो जाती है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखें तो ये बहुत एग्रेसिवली ग्रो करती है, बहुत रोबस्ट ग्रो करती है, और आसपास का जितना एरिया है उसको कवर कर लेती है, जिससे क्या होता है कि आसपास की जो डाइवर्सिटी है, वेजिटेशन है, वो ख़त्म हो जाता है। और कई जगह पर जो है वो इनको इसी तरह से इकोनॉमिकली हजार्ड माना जाता है, क्योंकि इनकी ग्रोथ की वजह से बाकी डाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है। तो वहाँ पर भी इनको निकालना वहाँ से बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट इसका होता है इन्वायरमेंट पे। सॉइल पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो ये जहाँ पे इस तरह की परेशानी नहीं है कि खेत खेती वगैरह में नुकसान हो रहा हो, तो वहाँ पर फिर अगर सॉइल की परेशानी है कि सॉइल किसी तरह निकल जाती है, सॉइल बाइंडर चाहिए, तो उनको फेंसिंग करने के लिए इन प्लांट का इस्तेमाल होता है और वहाँ पर ये लगा दी जाती हैं, जिससे कि ये इनकी जड़ें वगैरह, हमने बताया था कि टैप रूट होती है फाइबर और बहुत ट्यूबरस रूट होती है, जिससे ये मजबूती से ज़मीन को पकड़ लेते हैं। तो सॉइल बाइंडिंग कैपेसिटी जो है इनकी अच्छी होती है। इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर ये मेडिसिन की तरह इस्तेमाल होती है डायबिटीज़ के इलाज के लिए, और कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है मेडिसिन के अलावा। इमेच्योर फ्रूट जो होते हैं वो खाए जाते हैं इंडिया में भी, इथोपिया में भी। तो जो गरीब लोग हैं, इथोपिया एक बहुत पुअर कंट्री है, तो वहाँ पे जो जितना वाइल्ड प्लांट है वही उग जाते हैं, वही वो लोग खा लेते हैं, क्योंकि ख़रीदने के पैसे उनके पास अच्छी सब्जियों के लिए होते नहीं हैं। तो ऐसे ही जो भी इंडिया में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग भी इसको खाते हैं। वाइल्ड वेजिटेबल मानी जाती है ये उत्तर प्रदेश के कन्नौज में, और वहाँ के भी जो गांव के लोग हैं वो इसको खाना पसंद करते हैं। प्रोटीन में हाई होती है, तो प्रोटीन की कमी अगर किसी को हो रही है तो उसको ये बोला जाता है कि आप ये कुंदरू की सब्ज़ी खाइए। मेडिसिनल इम्पोर्टेंस, तो डायबिटीज़ की तो बात हो गई थी, उसके अलावा और भी कुछ मेडिसिनल इम्पोर्टेंस हैं, जैसे कि एनाल्जेसिक होता है, दर्द वगैरह में काम आता है, एंटीपायरेटिक बुखार उतारने में काम में आता है, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी अल्सर, एंटी डायबिटिक, एंटी ऑक्सीडेंट, हाइपोग्लाइसेमिक डायबिटीज़ वाला हो गया, हीपेटोप्रोटेक्टिव, लीवर में ठीक ठाक इलाज कर सकता है, एंटी मरेरियल, एंटी डिस लिपिडेमिक, जो एक तरह से किस क्या बोलते हैं उसे, कुछ बीमारी होती है मिर्गी वगैरह की तो उसमें ये इस्तेमाल करते हैं, एंटी कैंसर होती है, एंटी ट्यूसिव, जो जकड़न वगैरह हो जाती है और जो कफ बलगम वगैरह बाहर नहीं आ रहा होता है तो उसको भी दिया जाता है। इसके अलावा म्यूटाजेनिक भी माना गया है, तो कई कई जगह पे इसका एक्सट्रैक्ट जो है वो म्यूटेशन कर देता है टिश्यू कल्चर के दौरान। बहुत लो कंसंट्रेशन जो क्रूड एक्सट्रैक्ट है इसका, वो कैंसर लाइन पर थोड़ा सा उस पर इनिबिटरी इफेक्ट भी करता है, तो एंटी कैंसरस भी हम कह सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि सर्वाइकल कैंसर की जो सेल्स की हिला लाइन होती है उसके ऊपर इसका इनिबिटरी इफेक्ट है, तो वहाँ पर भी इसकी यूटिलिटी बन जाती है। तो इसके साथ ही में ये पूरा जो चैप्टर है जिसमें कुकुरबिटेसी फैमिली हमने पढ़ी, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा पढ़े और क्या किस में फ़र्क है, क्या चीज़ क्या करेक्टर एक से हैं, क्या करेक्टर अलग हैं, कौन से प्रिमिटिव हैं, कौन से एडवांस हैं, और साथ ही साथ एक वाइल्ड प्लांट जो इसका मिलता है कोक्सीनिया उसको हमने पढ़ा,
और ये सब जो मैं आपको दिखा पाया, इसमें एक्नॉलेजमेंट बनता है उन चीज़ों का जहाँ से इन्फॉर्मेशन मैंने ली है। तो ये वो सारी लिंक हैं जहाँ से इन्फॉर्मेशन मैंने ली है, और आप भी इसको डिटेल में पढ़ना चाहें तो इन लिंक्स को आप इस्तेमाल करके और जो अपनी नॉलेज है इसमें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ों में बड़ी अथाह नॉलेज है और हमें तो सिलेबस में सभी कुछ पढ़ना होता है। नहीं तो बहुत से लोग जो हैं पूरी पूरी रिसर्च अपने 8-10 साल एक ही पर्टिकुलर फैमिली पे लगा देते हैं और उसी पे काम करते रहते हैं। तो हमारे पास फिलहाल इतना वक्त नहीं है, और हमें जो है इसका थोड़ा सा उतना अकाउंट पढ़ना होता है जितना हम आगे कभी हमें ज़रूरत पड़े तो उसको हम आगे बढ़ा सकें। तो वो सारे सोर्सेज हैं जहाँ से इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी। तो इसी के साथ थैंक यू।